हेलो करने का प्रयास कर। रेशर प्रोपोर्शन ये टॉपिक है। ना फॉरेस्ट हाँ, उसका वो निकल रहा है, आंसर नहीं है, मतलब उसको क्या करना है, वो रेशियो को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो है दिया हुआ। एक्स वाई जेड का आंसर हाँ, ऊपर है एक्स वाई जेड, ये वैल्यू दी हुई, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसकी बेस पर है। इसको जो है सबसे शुरू से ले लेंगे। यहाँ का समझ हाँ, इसको इसमें ये बता रहे हैं कि अगर आप जैसे पहले सॉल्व जैसे करते थे, कैसे पहले करते थे सॉल्व, कि दो दोनी चार, छोटी वैल्यू को चार आ गया, तीन दोनी छः और तीन एका तीन, ऐसा रख के हाँ रेशो निकालते थे पुराने मेथड में। लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर वैल्यू अगर बढ़ जाती है, अगर बड़ी वैल्यू अगर हो जाती है, तो जब क्या होगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, समझो 30 जरा 15, तो ये आप एक लिखेंगे कंडीशन, फिर दूसरा लिखेंगे 15 जरा 45, फिर 45 को भाग देंगे 15, तो ये कैलकुलेशन में बहुत लेंदी हो जाएगा स्टेप। तो उनका बोलना ये है कि आप इसको मेथड्स क्या कीजिए, कॉमन वैल्यू बीच की देखिए, मिडल वैल्यू, तो मिडल वैल्यू क्या है यहाँ पर, 45, जैसे दूसरी बड़ी वाली संख्या। अब बड़ी वाली संख्या में हमारे पास क्या है, 15 यहाँ पर दिया हुआ, तो 15 के हिसाब से बोल रहे हैं कि 15 में क्या मिलाया जाए, कितने से मल्टीपल करें कि 45 बने। तो क्या किया गया, 3 को मल्टीपल किया 15 से, तो 45 बना। उसी तरह से 3 को 3 से भी मल्टीपल करना पड़ेगा, तो वो 9 आ जाएगा, और उसको गुणा हमने कर फिर, दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो यही हमें करना है, इन दोनों को बराबर करने का प्रयास करना है। मिडल इसमें वैल्यू पे कितने का कॉन्सेंट्रेट गुणा कर दें करना कि ये दोनों संख्या बराबर हो। इसमें किसी संख्या को गुणा नहीं करना, तो इसको वैसे ही लिख देंगे 30 तो 45 का वैसे ही इसमें और करेंगे। जब इसमें किया है तो इसमें भी करेंगे, तो 3 3 9 ये आ गया आपका आंसर। अगर इससे करते तो आपको इन सबका मतलब 30 वैसे रख दिया गया, 45 जो था ये भी 45 मतलब बन गया था वैसे, और उसके साथ में ये 9 को जो लास्ट वाली है, तो 3 थी, क्योंकि इसको किया तो इसको भी करना पड़ रहा है, तो वो 9 रख दिए, तो इसका ये रेशियो ऐसे आ गया, मतलब डायरेक्टली। का ये तो गुणा मतलब करना पड़ता समझाने फिर था, अब उसके बाद ये क्वेश्चन में देखेंगे ये उसको। कैसे है उसको जी काट दे आप तब आपका रेशियो आना है। जैसे कि अगर इसी में हम हल करें तो देखो इसमें हम कितने का गुणा कर दें। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास बड़ी वाली 3, तो 3 को कितने का गुना करें, तो उसमें 3 बनना चाहिए 2, वो देखना है, ये दोनों संख्याएं बराबर हो या फिर दोनों संख्या है नीचे की जो दोनों संख्या है वो दोनों बराबर हो जाए। ये वाली दोनों संख्याएं बराबर हो जाएं। तो इसमें हम इसमें क्या करें 3 का गुणा कर दें और इसमें हम 2 का गुणा कर दें। तो अब क्या है, ऊपर कुछ नहीं करना पड़ा था फर्स्ट केस में, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बिगर था, लेकिन अब 3 में मल्टीपल करने पे आप 2 को 3 नहीं ला सकते ना, तो पहले ऊपर वाले को भी बढ़ाना होगा। पहले वाले को किससे बढ़ा रहे हैं, 2 से, मतलब 2 तिया 6, तो जब 2 तिया 6 हो जाएंगे, तो 2 तिया 6 नीचे नीचे 2 है, 3 दोनी 6, तो उस हिसाब से दोनों कॉमन हो गए 6 और 6। अब अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 भी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 3, ये 3 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई किया था 2 दो से, से तो इधर वाला जो लेफ्ट वाला है उसको भी 2 से करना है, हो तो गया क्या हो गया, 4, आपका क्या बन गया, 4 6 और 3, ये रेशो बना रेशो क्या, बन नहीं गया तो एक्स वाई। वो मतलब बनाना था, ये आंसर था, लेकिन उसको निकालेंगे कैसे, उसकी ट्रिक थी, मतलब ये पहली पुरानी ट्रिक थी, जो पुरानी ट्रिक अगर आप बड़े केस में इस्तेमाल करें, बड़े डिजिट वाले में, जिसमें आपको क्या बन रहा है, रेशो 3 मल्टीप्लाई 15 बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, तो आप उसको ये ट्रिक को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो रेशियो बीच में मिडल में दिया होगा उसके नीचे वाला, मतलब 2 कॉमन रेशियो उसमें जो आएगा, तो उसको किसी चीज से भी, ऐसे जरूरी नहीं 3 से मल्टीप्लाई करना 2 से, वो बराबर होना चाहिए। तो ये इसको 3 को 2 से 6 बन गया, और 3 दोनी 6, 6 6 बराबर हो गए, तो इसको भी फिर 3 से दे देना है ऑटोमेटिक, और ये 2 से, तो ये 2 दोनी 4 और 3 दोनी 6 और ये 3 एका 3,
ऐसे ही आ गए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन से। उसके बाद है नेक्स्ट, ये अभी ये सॉल्व कीजिए, ए रेशियो बी है एक निस्बत 4 के, और बी निस्बत सी है 2:1 के, सी निस्बत डी, ऐसे। तो अब इसमें क्या है कि इस तरह रखा हुआ है, हमारे पास क्या निकल रहा है, उसका निस्बत 1:4, और सी में क्या है मिल रहा है 2, ये ये तो दो। कॉमन है, चाहिए और अब इसको देखेंगे तो लिख लो इसको नीचे लिखोगे तब तो ये कैसे बराबर। यहाँ निकालेंगे। हमारे यहाँ देखो ये कहते हैं 1:80 डी 1:2 है। अब देखो यहाँ तीन तीन आ गए तो अब और प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। अब 4 में बनाने क्या करेंगे, 2 2 4, तो 2 1 2, तो ये बन गया। और वो वैसी, तो 1:4:2 ऐसा बनना चाहिए। तो ए बी देखेंगे वैसा सी डी आता है क्या, 1:4:2, एक समझा है। एक ए बटे में देखिए ऊपर क्या दिया हुआ था, 1:4, ये ऊपर लिखा है 2। ए और बी कॉलम बनाइए पहले आप, हाँ कॉलम्स 4 कॉलम बनाना है, ए बी सी और डी ए का। तो बी पहले कॉलम में ए बी में लिखना है 1:4, ये हो गया। अब बी वहीं से चालू हो रहा है 2 से, तो 4 के नीचे लिखेंगे 2, रेशो सी में लिखेंगे 1, सी में लिखेंगे। और हालांकि यहाँ पर डी भी है, लेकिन अभी 3 के मेथड से अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं, तो 3 के मेथड में हम क्या रखेंगे कि जैसे हमने पहले सॉल्व किया था कि 4 और 2 मिडल में आ रहे, तो 4 के जैसा 2 कितने से मल्टीपल करने पे होगा, 2 से, 2 से होगा ना, 2 2 4, दो तो 2 2 4 जब हो रहा है तो चार नहीं 2 से 1 को भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो ना दो दो बनेगा। है और ऊपर में हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो वो कॉमन ना। रहेगा। जैसे 1:4 यहाँ तक था, अब 4 कॉमन हो गया, तो आखिर वाला क्या बचा, बस 2, तो वो रख दिए वहां पर से, तो ये 2 आ गया। अब डी डी वाला बचा है, तो डी के रेशो में कैसे लाएंगे, डी के रेशो में अब क्या मिल रहा है, 2 और 4। अब इसमें भी जो है तो 2 2 4 ऐसे लाना पड़ेगा। इसको एक मरतबा सॉल्व करके समझ लेंगे। तो सर ये एक को क्यों नहीं कर रहे टू से मल्टीप्लाई पहले वाला है। पहले वाले क्योंकि उसको हाँ जरूरत नहीं पहले पड़ी से एडजस्ट करने की, क्योंकि 4 डिवीजन में था। अगर नहीं रहता तो पहले केस क्या था कि 3 नहीं था 2 के डिवीजन में, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किए थे, 6 बनाने। तो सर इसमें तीनों को हमारा क्रॉस कर पर्पस दिया। क्या होता है पहले, कि दोनों चीजों को कॉमन बनाना, तब इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो 2 बन गया था। अगर पहले क्या केस होता है कि पहले उसके नीचे वाले जो नंबर है डिजिट वो कॉमन आ जाए, या फिर ऐसा करना होता है कि अगर रेशो नीचे वाला, अगर केस कीजिए कंसिडर के 6 रहता था, अगर सपोज ऊपर 3 है, तो सिर्फ ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते थे सिर्फ। यानी मेन मकसद क्या है कि 3 और 2 के रेशो 45 और 15, तो वो रेशो दो दो वैल्यूज सेम आना चाहिए उसके लिए, फिर वो आप कैसे भी उसको मल्टीप्लाई करके ला सकते। अब यहाँ से इसको समझेंगे, हमारे अनुसार क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 का गुणा करना है बस, तब तो ये बराबर हो जाएंगे। और यहाँ लिख देना है आपको 1:4, और यहाँ 2 का किया तो यहाँ भी तो 2 1 2, ये आ गया इसका रेशियो, ये आ गया आपका इसका रेशियो। अब आपको ये तीसरा और लिखना है, सी सी तक तो हो गया, अब आपको डी भी लिखना है, तो डी इसी के नीचे लिख दो आप 1 और डी के नीचे लिख देंगे 2, ठीक है। अब आपको इन दोनों को मतलब पहले 3 से किया, फिर उसके बाद अब उसका जो रेशो है तो आखिर वाला डी उसको मिला है 1:2, लाने का क्योंकि प्रयास करना है, तो इसमें आप कितने का अब 2 के नीचे 1 क्यों लिखे, आगे क्यों नहीं, क्योंकि सी जो है तो दोनों जगह पे आया हुआ है, बी सी सी डी। बी के नीचे बी कैसे रखे थे, मतलब एक था ए का, बी था 4 का, दूसरे में जब बी रिपीट हुआ तो दूसरी लाइन में उसी के नीचे बी के कॉलम में आएगा, तो उसी तरह से बी और सी जो है, तो बी ए सी और सी डी 2 बार आ रहा है सी, तो पहले कॉलम में सी लास्ट वाला जो है उसके नीचे ही जो सेकेंड स्टेप में चालू हो रहा है सी, वो लिखेंगे। जैसे कि पहले तक ये 2 तक आ गया था यहाँ पर आंसर हमारा, अब उसके नीचे सी है 1। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2,
और दो दो नहीं चार हो जाएंगे, तो हमारे पास पूरा रेशियो क्या मिलेगा, ए 1 4 2 4 इस तरह से। तो इस तरह से सॉल्व हो, 1 4 2 4 ये आंसर आ गया। अब उसके बाद है नेक्स्ट। अब अगर ई पूछता था तो, ई पूछता था तो कैसे पूछता था वो, डी और ई दोनों मिक्स, तो डी के नीचे आपको डी की दूसरी वैल्यू लिखना होता था और ई की वैल्यू मान लो 1, तो फिर इसका होता था 2 2 4 इससे दो दो के से हिसाब से, और ये मल्टीप्लाई फिर ये करने दो, से हाँ तो फिर ये दो, तो लास्ट में सिर्फ 2 बढ़ता था, तो इस तरह से, हाँ इस तरह से, तो पहला इसीलिए टाइप का देख एक क्वेश्चन सकते हैं। करते हैं। ए बी सी को 2400 2:3, 3:5 के अनुपात में बांटे गए, कितने को, 2400 रुपए को 2:3, 3:5 के अनुपात में बांटे गए हैं, सबसे अधिक धन किसको और कितना मिलेगा। ये इसमें अब एक्स की वैल्यू लेते हैं, एक्स की 2x 3x और 5x, इसका कितना हो गया 2400, ये ये क्या हो गया 10x, 10x कहाँ से आया, तीनों को मिलाने जमा करें, 2 और 3 हाँ पांच दस और एक्स दस मिलाने बीस पर अब ये 2400 हो गया, और x 10 को डिवीजन में लेके गए तो x की वैल्यू क्या आ गई 240। 240 अब 240 को 5 में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पूछा सबसे अधिक धन किसको कितना मिला, तो सबसे हाँ अधिक 5 5x था वाले, हाँ राइट, तो हम 5 डायरेक्ट भी ला सकते हैं हाँ एक्चुअली, डायरेक्ट भी कर सकते, तो ये स्टेप के हिसाब से भी और डायरेक्ट भी आ सकता है इसका। नेक्स्ट है कि ए बी सी में अगर 3500 ऐसा अगर लाया जाए कि किए गए जो है ए रेशो ए निस्बत बी 5:4 हो जाए, या फिर 20:C, ये पूरी वैल्यू दी हुई है, तो हमारे पास ए बी सी ऐसे बनाना है, कहाँ तक आया, ए बी सी है, पहले में क्या रेशो है 5:4 के, और दूसरे में क्या 3:2 के, तो बी कहाँ पर रिपीट हुआ दूसरी स्टेप में, 3, तो 3 को क्या किया जाए कि 4 बने, बन नहीं सकता मल्टीप्लाई में, तो 4 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से अगर करे तो 8, लेकिन अब 3 का 8 कहाँ से आएंगे, 6 आएगा या फिर 9, तो हम ऐसा करेंगे कि 4 को 12 करेंगे, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 थी 12, 4 थी 12 ये 12 12 कॉमन हो गए। अब ऊपर वाले को 3 से अगर मल्टीप्लाई किया था तो 15 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 5 था वहां पर, वो 15 नहीं है असल में, तो हाँ कॉस्ट वो में 5 था ब्रैकेट है, तो 3 5 15, तो ये 15 कॉमन हो गया, और 4 थी 12 नीचे भी ये 12 कॉमन हो गया, और 4 2 8, हाँ 4 दिन क्योंकि नीचे की वैल्यू को 4 से किया था, तो यहाँ तक आ गया रेशो। अब हमारे पास क्या है कि 35x, इसका कैलकुलेशन 5x ये सबका, ये 3500 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 100, क्योंकि 35 है। अब इसको क्या करना है, अब पूछा क्या है कि बी को कितने रुपये मिले, बी को कितने रुपये मिले, तो बी हमारे पास रेशो क्या है 12, रेशो में हमारे पास 12 है, तो 12 को मल्टीपल कीजिए 100 से, तो ये बन गया 1200, तो ये आंसर आ गया। ऑनलाइन वाले भी इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब सवाल कैसा था ये तो आंसर देखे तो समझ में आ रहा है, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी पहले। ए बी सी में 3500 ऐसे बांटे गए, ए बी सी दे दिए, तब इसमें माने गए कि ए बी का रेशो जो था 5:4 और बी सी का था 3:2 उसके काम के हिसाब से, तो बी को कितने रुपए मिले, तो उनका रेशो जो काम का है उसके हिसाब से बांटे जाएंगे, और ए बी बी सी 2 बार रिपीट हुआ, उनके रेशो को ऐसे लिख देंगे 5:4 3:2 उसके रेशो में, फिर वो करने पर हमारे पास अब एक्स की वैल्यू के लिए क्या करेंगे मालूम नहीं था कितना, तो 15 कहाँ से लिए हमने, 15 12, तो ये रेशियो आया नहीं बट हाँ ये रेशो को रखे 15 12 और एक्स कितना रेशो को, तो हमारे पास जो एक्चुअल रेशो आया, तो एक्स एक्स की वैल्यू और कैलकुलेट करे, और फिर उसको बाद में बी के हिसाब से चेक कर लिया, तो उसको 1200 रुपये है, तो फिर हर एक में लगकर देखना है क्रॉस चेक, तो 3500 वो बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसों के सिक्कों की टोटल संख्या थी 1:4:4,
यदि उनकी कुल टोटल वैल्यू 200 रुपये होती है, तो 25 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है टोटल? अगर निस्बत बता दी कि 1 रुपया था, 50 पैसे और 25 पैसे लास्ट, तो अभी हमको ये मालूम है कि हम उसको 1 रुपये को 1 की निस्बत में रखते हैं और 50 पैसे को 4 की और 25 पैसे लास्ट वाला लास्ट में। तो इस हिसाब से टोटल अगर 200 रुपये होते तो अभी हमें इसको एक लिख कर देखना होगा कि 200 रुपये मिल रहे हैं। तो 1x, 4x और 4x को 200। अब इसको जब हम निस्बत के तौर पर क्या करते हैं, इसको x की वैल्यू हमको निकालना रहेगी। तो अब हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? भाग दे देंगे, भाग दिए तो हमें तो पैसे में कन्वर्ट करना है ना इसको, तो हम इसमें कितने का भाग दे देंगे, 4 का, क्योंकि 4 चवन्नी मिलकर के 1 रुपया बनता हाँ, 1 रुपए के हिसाब से देने के लिए, तो 4 चवन्नी 1 रुपए, है। ये टोटल किसमें दिया है, रुपये में? और ये 98 1 रुपये, है, हाँ, तो दो दो 98 1 रुपए, इस तरह से। तो इसको इस तरह से लेवल किया गया, तो जिसके हिसाब से अब यहाँ पर जो था, अब इसको कैलकुलेट किया गया, ये चार कट गया, और 2 दोनी 4, और चार तो एका चार, 2 दोनी 4, 4 एका 4, तो ये क्या हो गया, 2x। 2x कहाँ से बना, ये एक एक्स एक और एक एक्स एक्स आ मिलकर, गया सर। हाँ लास्ट वाला 1x और पहला वाला, तो 2x+2x इज इक्वल, और ये क्या हो गया, 4x टोटल हो गया, मतलब तो 4x की वैल्यू 200, तो इस 100 4 में डिवाइड जब हो जाएगा तो 50 हो जाएंगे x की वैल्यू। 50 क्या हो गया हमारे पास में, x मिला से। हमारे पास यहाँ आगे एक्स बराबर आ गया हमारे पास 50, क्लियर। तो अब यहाँ सिक्कों की संख्या निकाल ले हम, तो सिक्कों की संख्या 1 रुपए की संख्या, अब सब में मल्टीप्लाई, तो 1 रुपए कितने थे, 50, ये 50 रुपए हो गए। अब 4 की जगह पे 50 रखेंगे आप, तो 4 पंजे 20, तो ये 200 ये हो गए। तो अभी तक कितने रुपए हुए, 250 रुपये टोटल, कितने हैं वो, 200 है वैसे, तो 4 98 थी असल में, 4 98, तो आधे करना है डायरेक्ट, 1 रुपया नहीं था, इस वजह से 98 थी, इसलिए 200 बने। तो 200 और ये कितने हो गए, 250, 250 250, तो उसको आधा करना है 98 के हिसाब से, तो 100, तो 150 ही रुपये हुए। फिर 54 के जो 4 थे, 4 जरा 50, तो कितने होते, 4 पंजे 20, ये भी वही, तो 200, और उसको डिवाइड जो 4 4 के जो भाग रखे थे, तब तो हिसाब से उसको कन्वर्जन पचास करने पर ये 50, तो ये 200 रुपये बराबर हो गए। तो जिसके हिसाब से हमारे पास 54 कितनी थी टोटल, 254, जिसके मिलकर 50 रुपये हो रहे, मतलब उसकी वैल्यू 200 जा रही है, 54 200 सिक्के थे मतलब उसके ऐसे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे सेम है रेशो। अब इसको आप सॉल्व करके देखिए, यदि बक्सों की कीमत 150 है, रुपए के कितने सिक्के, अब इसमें कैसे कंफ्यूज किया है कि बक्से में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के है, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, अगर बक्से की कीमत 150 रुपये के, तो रुपये के कितने सिक्के, हाँ 1 रुपये ही कितने सिक्के? तब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, चार निस्बत के हिसाब से रख दिया गया जो 150 बना रहे, मतलब इस कंफ्यूज करना था सिर्फ के बक्से की कीमत कंफ्यूज करना, लेकिन हमको इजी क्वेश्चन में वही लिखना है कि 150। अब यहाँ पर है, इसको 98 बोले तो 2 और 54 बोले तो 4, ही है आपको रूल के हिसाब से करना है। अब वो हिसाब से 6x हो रहे हैं, 6x+3x कहाँ से, 4 दोनी 8, तो ये 2x हो गए, 2x और 4x मिलके हो गए 6x, और 3x/2 ये हो गया, और इसको फिर ये टोटल क्या हो गया, 12x कर दिया गया, मतलब इसको 2 को कॉमन अगर रखना है तो क्या कर देना पड़ेगा, 6 को 12 बना देना पड़ेगा, दोनों के कॉमन में ये 2 आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, 12x+3x 15x हो गए, 15x और
ये जो था 150, क्योंकि 2 अगर हटा दिए तो 300 लिखना पड़ेगा, या फिर अगर क्योंकि उसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो सकता हो इसलिए, तो इसको 300 बनाए और बाद में फिर इसको एक्स को लेकर गए 15, इसको डिवीजन में रख दिए तो क्या आ गया 20। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 20। जब हम 20 चवन्नी को रखेंगे तो वो 80 चवन्नी होगी, और 80 चवन्नी मतलब क्या हो रही है, यदि इसका पूछता तो 8 दूनी 16 160 हो जाती संख्या, लेकिन अगर पैसे पूछ रहा तो इसमें तो चूंकि 1 रुपए के हैं तो 80 रुपए होंगे और 80 सिक्के होंगे, लेकिन इसमें यस। संख्या जो है यानी रुपयों की संख्या इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी। उसने उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो रुपए के 80 सिक्के होंगे। हाँ, तो इसमें रुपए पूछा था पहले चवन्नी थी, तब रुपए के हिसाब से इसको डिवाइड नहीं करना है फिर डायरेक्ट, तो एक के हिसाब से डायरेक्ट 80। 80 अब अगर उसको रख कर देखे मल्टीप्लिकेशन में तो ये 80, और सब में रखकर उसको देख सकते थे फिर। अब पहले क्या था 4, तो इसलिए 80 रखे। अब 3x मतलब 3 8 24, तो 240, 3 मतलब ये 50 पैसे, 50 पैसे, तीन तीन जरब, हाँ 20, 20x है इसलिए, राइट, तो 60, 60। और 60 मतलब क्या है, उसको डिवाइड करते थे 2 में, तो 30 रुपये हो रहे, 30, तीस तो कितने हो गए अभी तक 110 रुपये। अब 8 के 8 क्या है रेशो 54 का, चवन्नी का तो 8 जरा 20, 8 दूनी 16, तो 160, 160 को डिवाइड किए 4 में, तो कितने हुए 160 डिवाइड बाय 4, 4 चौक 16, तो 40, तो 40 और 110 150 रुपये बराबर हो गए। तो हाँ बक्से की कीमत बोले तो अलग से बक्से में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वो पूरी कीमत उसकी मतलब वैल्यू, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5 अनुपात, आय का अनुपात, आय मतलब, जबकि उनकी व्यय का अनुपात, हाइट और मतलब ऐसा कुछ होगा, आय मतलब एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा, तो उसको रेशियो है, और उनकी व्यय का एज का जो है तो 9:5 रेशियो है। अगर वो 1300 और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय मतलब बचत होंगी शायद, बचत, तो आय क्या होती है, खर्च प्लस बचत, तो ये 5x और 3x ही हमने ले लिया, और हमारे पास क्या है 9x, 9 क्या दिया हुआ है वय का, तो ये 9x और 5x ही रखा है। अब इसमें क्या करना है, प्लस करना है 1300 और 900 बचाते हैं अगर, तो ये एक कंडीशन और दो कंडीशन। अब एक कंडीशन के हिसाब से क्या हुआ, 5x-9x+9 RHS से LHS में आया तो माइनस हो गया, और 1300, और ये 3x-x हो गया 5, वैसे ही दो कंडीशन ये बनी। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें से जो है तो मल्टीप्लाई पहले वाले को 3 से करना है और दूसरे वाले को 5 से, जैसे इससे पहले भी हमने जो केस देखा था उल्टा, जो साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला, ये एक मुतगैर, ये दो मुतगैर, ऐसा कुछ होगा ना वो वाली मसावात के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि 15x-27 करना है, 27y क्यों किया गया, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया था 5 को 3 से, तो 15x, 9 थी 27, और 1300 जरा 3 ये 39, तो ये हो गया। अब उसके बाद है 5 थी 15 25y, और ये 4500, इसको माइनस अप करेंगे तो हमारे पास क्या आया 600, और उसके अलावा क्या है फिर, 600 के अलावा +24, 15 15 कट हो गया, और ये क्या हो गया 2y, 2y है वो, तो 2y इज इक्वल टू हो गया 600 के, तीन तो वही बराबर आपके आ गए यहाँ पर 300, सौ 2 डिवाइड में आकर, तो हमको क्या मिल गया y। वही बराबर क्या आ गया आपका 300। अब यहाँ किसी चाहे इसमें मान रख दो चाहे इसमें, आप कोई भी कंडीशन में वाई रख के देखिए, तो किसका मान निकल जाएगा, एक्स का मान निकल गया, तो एक्स का मान निकालने की हम इसमें मान रख प्लस, कहीं पर भी एक जगह पे वाई की कीमत रख दी गई तो 900 जरा 1300, अब इसको कैलकुलेट किया गया तो एक्स निकला 800, मतलब पहले अगर वाई की कीमत हमको मिल गई
मसावात को हल करने पर, तो अब उसके बाद जो x की वैल्यू बच गई वो x आ गई, तो ये हो गया 800। अब 300, तो यहाँ पर पूछा क्या है कि प्रत्येक की आय ज्ञात करो, आय ज्ञात करनी है हमें, तो यहाँ हमें y निकालने की जरूरत भी नहीं है, हमें केवल क्या निकालना है x, तो यहाँ चाहते तो हम y वाले से बराबर कर लेते तो डायरेक्ट हमारा x का मान ज्ञात आता, ठीक है। लेकिन हो सकता है वो क्या पूछ सकता कि खर्च पूछ लेता, तो आपको ये पूरा, तो इस टाइप से आपको x और y के मान पता चल गए, और अब आपको कुछ भी पूछ ले उसके आंसर आप बता सकते हैं। तो खर्च के हिसाब से ये मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्स पूछा है आय, तो डायरेक्ट आप आय कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू। कर देंगे 800 में, तो दूसरे की क्या हो जाएगी 8 और 24, तो यहाँ पर इसकी एक्स क्या हो जाएगी 5 का, आप इसमें गुणा कर दो सब एक्स इनका की गुणा, वैल्यू की जगह पे ये और रखें। इसकी 1 की 2400, 1 की 4400। तो आशा करता हूँ तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद चार आया हजार होगा, चौबीस यदि सौ आपको ये वीडियो तो ये दो, तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये हमारा टॉपिक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। रेशियो और प्रोपोर्शन हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं टॉपिक फ्रैक्शन। बढ़ते क्रम, और ये बड़ी संख्या निकालना हो, यदि इनमें से ऐसी भिन्न दी होगी, और इनमें से यदि हमें बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो भी कैसे निकालते हैं, छोटी ही निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, और उसी प्रकार से आरोही अवरोही को उसको बढ़ते या घटते क्रम में सेट करना हो तो वो कैसे करते हैं ये बताऊंगा। इसके बाद भिन्न का ये अगला टाइप है कि यदि ऐसे, ये मैंने कई एग्जामों में देखा है कि SSC में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछता है, और कई वन ऑफ टू इस टाइप से बहुत सारे प्लस को, इसके अलावा कुछ ऐसे है, तो ये सभी टाइप को या माइनस की जगह हाँ, ये टेट में आता है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की भाग भी हो डिवाइड, सकता है करने का प्रयोग, जो कि जैसे कि ये भी आता है टेट में। बार लगा हुआ है, उनको भाई एक लाइन लगी होती है, इनको बार बोलते हैं, तो कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जैसे कि ये 1.35 बार, मतलब बार यानी युक्ति ये फर्स्ट आ है क्वेश्चन में इसलिए। अब इसमें क्या 3/5, 4/9, 2/7 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम 4/9, 2/7, इसको कैसे करेंगे? हाँ, 27, 9, 24, 36, इसको 0 लगा दिया मैंने। 4 बार गया, और यहाँ 36 गया, मतलब 36, तो यहाँ 40 से 4 बचा, तो फिर से तो उन्होंने सिर्फ अशार्य लगा के उसको लिख दिया, 40 ये हो एक ट्रिक जाएगा, है। तो 4 बार फिर जाएगा 9 चौको 36, क्योंकि और बढ़ेगा ना, तो 9 चौको 36, तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा 0.4 4, यानी 4 4। ओके, अब यहाँ पे उसी प्रकार से इसमें भी हमें 0 बढ़ा देते हैं, मतलब ये ट्रिक में आप 0 लगाकर चेक कर सकते हैं, और बाद में उसको अशार्य की वैल्यू वहां पर लगा देंगे। 0 लगा देंगे, 7 × 2 = 14, और 7 × 11 = 14, कितना बचा 20 में से 14 गया, तो कितना बचा आपका 6 बचा बचा, तो 6 में भी 0 रख देंगे जब हम, तो 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, तो 8, तो यहाँ 2 अंक तक हम ले सकते हैं, अगर और करीब आ रहे तो 3 अंक तक ले सकते हैं। तो अब देखिए आप, अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, देखो आपको यहाँ लग रहा होगा कि सबसे बड़ा ये है, नहीं ये क्वेश्चन टेट में थे, जिसमें से हम लोग क्या कर रहे थे, जो वैल्यू डिनोमिनेटर नॉमिनेटर दोनों बड़ा था तो वो वैल्यू बड़ी हो रही थी नहीं ऐटोमेटिक, ऐसा ले रहे थे हम हाँ टेट में फर्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो अब उसको मतलब आप ये फिर से इसमें सॉल्व अगर करके देख सकते अगला हैं। अंक कुछ नहीं है तो यहाँ 0 मानते हैं, सबसे बड़ा कौन है यहाँ ये, उससे छोटा कौन है ये, और उससे छोटा कौन है ये, तो यहाँ पर सब हमारा क्रम यही रहेगा, क्या रहेगा इसका मतलब क्या है, 3/5, और इस ये बड़ा है किससे 4/9, और ये बड़ा किससे 2/7, तो आंसर क्या आ जाएगा, और वही घटते क्रम में हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके।
तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं, अब इसमें यदि वो कुछ भी पूछ ले या पूछ ले सबसे बड़ा बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी ये वाली भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी ये भिन्न है, बढ़ते क्रम में लिखना है तो इसको इस साइड से शुरू कर देंगे, यानी पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे, आता तो ठीक ही है। 6/17, 6/13, 6/11, 6/19, यानी ऊपर की क्या है भिन्न, समान है, यानी इसको क्या बोलते हैं, एक ही और में ऊपर के भिन्न समान है, उसको मराठी में क्या आपको बोलते बता हैं? दो, इसको ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। आप सबसे सीधी सी बात समझे, आपके पास मान लीजिए 4 रुपए हैं या 6 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास 6 रुपए हैं और हमारे पास उनको बराबर बांटने के लिए हमारे पास मान लीजिए 19 आदमी, बांटने के लिए कितने हैं, ये हमारे पास केवल 11 आदमी, खुद समझ में आ रहा होगा, 6 रुपए हैं और ग्यारह लोग जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे बड़ा उनको होगा इस हिसाब से, क्योंकि ज्यादा उनको ज्यादा बांट देना लेना था, तो वो हिसाब से ही आ जाएगा। ऐसी है। टेट का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आते थे, आते हैं मतलब, पहले भी देखे, याद है आपको टेट का ऐसे जो क्वेश्चन जहां पर आए हुए, हाँ पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसके अंदर थे, लेकिन उसमें ऐसा था कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों बड़ा लिया हुआ था, जिसकी वजह से हम बड़े वाला डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर को टिक कर रहे थे, उसका जवाब सही वही आ रहा था। लेकिन ये चीज उसके अंदर कभी उसमें दिया ही नहीं, अलग अलग क्वेश्चन या कंफ्यूजन, लेकिन ये कंसेप्ट हम आगे ऐसे आते तो चेक कर सकते हैं। अब चढ़ती और मतलब उसको तरतीब में कैसे रखेंगे, पहले छोटा फिर ज्यादा को बांटे फिर एकदम लास्ट में, तो ये हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं। अब है तुलना पर आधारित प्रश्न, तो क्या करेंगे आप मेरे को, आप ये बताओ। छोटी और बड़ी कौन सी है दोनों। छोटी हाँ नाइन बड़ी है, 9/13 बड़ी और 3/13 छोटी, अब हाँ हर जो है तो इसमें सब कॉमन है। तो नसबनुमा नसब नुमार ऊपर के क्या कहते हैं, शुमार, शुमार कुनिंदा बटे नसब नुमार, नसबनुमा। मेरे बराबर पास 9 रुपए हैं और 13 लोगों को देना है, बड़ा रहेगा ये वाला या ये वाला, बराबर। और तुमको क्या मिलेगा और 13 लोगों को क्या मिलेगा, तो इन 13 लोगों को 5 रुपए, छोटे पैसे कम पैसे हैं और 13 आदमी तो समान है, तो इनको छोटा सा हिस्सा दे, और यहाँ पर तो तेरह सबसे छोटा क्या आ जा रहा है, उसमें 3 आ रहे हैं ना, 3 और 9 बड़ा, नाइन तो वो हिसाब से 3 रुपये अगर 13 लोगों में बांटे तो बहुत कम कम जाएंगे, वो रहेगी 9 रुपये 13 रुपये नौ तो ऐसे। अब फिर 0.6 उसको कैलकुलेट करने पर 0 लगाकर उन्होंने कैलकुलेट किया। अब ये क्या आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अड़तालीस 48 और 50 में से 48 गया, 2 बचा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 8 × 16, तो इस प्रकार से अब आप यहाँ पे ये यह आपको दिख रहा था 3 × 18, 2 बचा और 3 × 18 वही, यहाँ पर 0 रख दिया तो 0 × 7 = 35, 5 बार गया तो 5 बचा, यहाँ पर से 5 बच गया तो 6 × 7 = 49, तो ये 7 बार जाएगा, और इसको करेंगे तो 0.8 × 16, 8 × 4 = 32, 8 × 32 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, 8 × 48 = 50 में से 48 गया 2 बचा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 8 × 16, तो इस प्रकार से अब आप यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या उससे छोटी संख्या, नहीं सॉरी, सबसे बड़ी 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, तो इस प्रकार से इनको सबसे बड़ी अगर पूछा है या आरोही, यदि आरोही क्रम में लिखना है, आरोही का मतलब पहले छोटा और फिर बड़ा, बढ़ती क्रम चढ़ती तरती और में उतरती तरती, आरोही का मतलब होता है, और इसके बाद हमारा दूसरे नंबर पे था ये क्लियर है। तो उसके हिसाब से फिर इसको ऐसे लिखेंगे,
अपॉन थ्री, 5/8, 4/7, ऐसे। नेक्स्ट है, हाँ अभी ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे ये भी, तो क्या करना है, आप इसके लिए कुछ मत करें, इसको छुपा ले, आप इसको छुपा ले, यदि आप केवल इतनी माइनस 1/2 को, तो आपको इस, आप इसका थोड़ा और खोल दो, इतना जब 1 - 1/2 कितना हो रहा है बोले, हाँ एक में से आधा कर, हाँ फिर उसका 1/2 हो जाएगा, हाँ 1/1/2 तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का 2, 2 क्यों हुआ, 1 - 1, 0 और 2, मतलब आपको आ जाएगा 2, आएगा कि नहीं, ये ऊपर जाएगा तो 2/1, मतलब 2 आंसर आ जाएगा इतने का, 2 हुआ इसको, अब थोड़ा और खोल दो, ऐसे खोलते चलना है आपको हमारा, अब थोड़ा और खोल दो, जब यहाँ पे आ जाएगी 1 - 2, तो 1 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे का मतलब हो जाएगा हमारा, इस पूरे का मतलब हो जाएगा माइनस का 1, होगा कि नहीं होगा, अब थोड़ा और खोल दो, ऐसे खोलते चलना है आपको, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 1 था आपका, और 1/-1, तो इस पूरे का मतलब हो जाएगा आपका माइनस का 1, क्लियर, तो जब माइनस का 1 ये है, थोड़ा और खोल दिया हमने, तो माइनस ये लगा और माइनस का 1 ये, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1+1 हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका 2, बन जाएगा कि 2 बनेगा कि नहीं, तो ये 2 जब बन गया, अब इस पूरा इसमें और खोल दिया, तो 1/2 और 1 - 1/2, तो यहाँ आप क्या होगा, 1 - 1/2, तो यहाँ क्या जाएगा आंसर, 1/2, ये सॉल्व हो गया, कितना इजी है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि इतना बड़ा देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले इतना सॉल्व करो, फिर इतना सॉल्व करो, फिर इतना सॉल्व करो, फिर इतना सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो 1, देखो भाग का मतलब होता है बटे, ये तो आपको पता ही होगा, ऊपर चला जाता है, अगर बटे में कोई संख्याएं हैं जैसे कि 1/2 / 1/3, तो ये ऊपर चली जाती है, ये नीचे चली जाती है, कैसे 1/2 * 3/1 हो जाता है, क्लियर है ना, 3 ऊपर जाएगी तो 3/2 हो जाएगा, 3/2, ये ऊपर चली जाएगी और ये यहाँ, तो 3/2 हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो ऐसे करते हैं, ठीक है, इसके बाद ये जब ऊपर जाएगा, यानी यहाँ संख्या अंक आ गई आपकी 3, अब थोड़ा और खोल दिया हमने, जब ये 3 बचा तो अब 1/3 आ गया आपका, यहाँ 1/3 हो गया कि नहीं, 1/1/3, तो फिर से ये ऊपर जाएगा, तो इतने का मतलब आ गया आपका, इतने का मतलब ये पूरे का मतलब क्या है, 3, अब थोड़ा और खोल दिया, बस बचा क्या, यहाँ बचा 1/1/3, सॉल्व हो जाना है, 3/3 मतलब, जैसे कि अगला टाइप है, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, ये नीचे से इतना ले लो आप, तो 1+ क्या होगा बोलिए, इसके बोलते जाइए, 1+1/5, 6/5, 6/5, हाँ 5 × 1, 5 बन गया, 5 और + 6, 6/5 ऐसा हो गया, 1/4 एलसीएम लेंगे तो 5 आए, 6/5 आ गया, अब उसके बाद 6/5, ये 1/6/5, तो 5 ऊपर चला गया, 5/6, हाँ तो हम 11/5, डू यू नो 11/5, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम आएगा हमारा 6, 6 और 5 11, 11/5, फिर 11/5, 1/11/5, तो 6 ऊपर चला गया, 6/11, 6/11 नहीं सर, के 5/11, 11/5 है सर, 11/5 है, ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये 6 ऊपर चला गया, तो आंसर क्या होगा, 6/11, 6/11, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो गया कि 1+6/11, 11,
एक तो 11 11 11 में कितने मिलाए, 6 17/11, ये 17/11 ये हो गया, और ये ऊपर चला गया 17, 11 ऊपर चला जाए, क्लियर। तो ये अब इसको पूरा खोल दिया तो क्या बचा हमारे पास, फाइनली फाइनली हमारे पास बचा 17/17 11। तो ये 17/17 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 11, आंसर क्या आ गया हमारा 11 11। तो इस टाइप से चाहे वो मास में हो तो उसको ऐसे, ये हो गया फ्रैक्शन, अब अलग अलग आधारित प्रश्न निम्नलिखित साधन भिन्न से बदला। कवर करेंगे कि पहले जैसे कि यहाँ पर लिखा है 0.7 के ऊपर ये लाइन, तो इस लाइन को सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस लाइन को बोलते हैं बार, क्या बोलते हैं बार। अब इस लाइन को हम लगाते क्यों हैं, इस पर बात करते हैं। तो क्यों लगाते हैं, जनरली जनरली होता क्या है, जैसे कि कोई संख्या यदि किसी संख्या से हम डिवाइड करें, जैसे हम यही ले लें, 7 को यदि हम 9 से डिवाइड कर दें, तो 9 का जब हम 7 में भाग देंगे तो 9 7 63, यहाँ पर चूंकि 7 में जाएगी नहीं दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव, तो 9 7 63, तो 7 बार गया ये, तो यहाँ बचा क्या, 0 में से 3 गया 7, यहाँ क्रॉस हो। ओके, अब यहाँ पे